हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे तुला राशि के जातकों के बारे में कि जो तुला राशि के जातक है उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, उनको सफलता किस क्षेत्र में मिलेगी, भूम भवन क्या का क्या हाल होगा, शेयर से हानि होगा या लाभ मिलेगा, ट्रेडिंग से क्या होने वाला है, विदेश यात्रा की क्या स्थिति है, सब बताएंगे। सरकारी लाभ मिलेगा या सरकार से नुकसान हो सकता है, ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको किसी प्रकार की परेशानी है तो आप क्या करें कि इनबॉक्स में जा करके अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके भेजें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। और यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप क्या करें कि वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और आज आपके लिए शुभ अंक क्या होगा, शुभ रंग क्या होगा, ये सब आज हम आपको बताने वाले हैं। और आज आपको उपाय क्या करना है, सावधानियाँ क्या बरतनी है, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। और आपके लिए कौन सा अंक फेवरेबल रहेगा, क्या चीज रहेगा, ये सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में कि जो तुला राशि के जातक है उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला। जो तुला राशि के जातक है, आज आपकी व्यापारिक दृष्टिकोण से आज आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी भी बिंदु पर समस्याओं के समाधान हेतु लगते हैं तो आज आपको आपकी समस्याएं समाधान होगी और आज आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या प्रयास सार्थक होगा, व्यापार से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, तो उसमें आज आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। माली हालत आज आपकी अच्छी होगी, सरकार से लाभ मिलेगा, महिला मित्र का सहयोग मिलेगा, अपने पुराने मित्रों का भी सहयोग मिलेगा। अगर कोई मित्र आपकी कोई पैसा वैसा ले रखा है तो उसको आज घर आपको वापस दे सकता है। आपको आपके लिए बहुत गोल्डन टाइम चल रहा है और हेल्थ वेल्थ दोनों आपके लिए अच्छा रहेगा। छोटी छोटी बात को लेकर आप परेशान हो जाते हैं, चूंकि बहुत सेंटी हैं, इमोशनल हैं, तो अपने तरीके से हर आदमी के बारे में सोचते हैं, तो इससे थोड़ा निकलने की जरूरत है। आप अपने टारगेट पर ध्यान दें, कौन क्या है इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इमोशनली थोड़ा स्ट्रांग होने की जरूरत है, किसी की बातों में ना आवे, किसी के बहकावे में ना आवे। अपना एकमात्र जो लक्ष्य है, टास्क है, टारगेट है, उसके तरफ लग जाएं, आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। कोई भी नया कार्य करने का आप प्लान कर रखे हैं तो उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है, उसमें आज आपको सफलता मिलेगी। भूमि भवन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, जैसे जमीन खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, या प्रॉपर्टी में कोई नए तरह का व्यापार करना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, व्यापार में भी लाभ मिलेगा, कृषि भूमि भी खरीदने का योग बन रहा है। नए तरह के कार्यों में आज इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अज्ञात व्यक्ति से साझेदारी में कोई कार्य नहीं करेंगे, नहीं तो आपको नुकसान होगा। और लेन देन करने से बचें, लेन देन में भी कोई पैसा आपका ले लेगा तो देगा नहीं, तो उससे भी बचने की जरूरत है। महिला मित्र का पूरा सहयोग रहेगा, पुरुष मित्र का भी सहयोग रहेगा, और नए तरह के कार्यों से आज आपको लाभ मिलते हुए दिख रहा है। और भी जो एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे, चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, या नौकरी का क्षेत्र हो, या कुछ प्रोफेशनल करना चाहते हैं, तो उसमें भी आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी, जिससे मन आपका प्रफुल्लित रहेगा। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी कि अपने दिल के बजाय दिमाग की बात सुने और इमोशनल होकर कोई निर्णय न लें। और आज आपको उपाय क्या करना है, उपाय करना के सफ़ेद वस्तु दान करें, दूध या दही दान करें या किसी गरीब महिला को खिलावें। और आज आपके लिए शुभ अंक है 7 और शुभ रंग है नीला। हरे कृष्ण।